बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महालीज एंड वेलकम टू माय चैनल। आज जो वीडियो मैं आपके साथ देखना चाहती हूँ ये है आरजू काजमी का और इश्तियाक अहमद का। आपको पता है कि इश्तियाक अहमद और आरजू काजमी दोनों मेरे शो पे मेरे चैनल पे आ चुके हैं एंड देर बोथ अमेजिंग पीपल। इन लोगों का एंड देर बोथ अमेजिंग पीपल। अब आपको जैसे पता होगा, अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा तो मैंने डॉक्टर इश्तियाक अहमद का जो है एक इंटरव्यू किया था अभी आई बिलीव लाइक 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो वो इंडिया जा रहे थे अपने टूर पे, पाकिस्तान से होकर आए थे और अब वो इंडिया जा रहे थे अपने बुक टूर के ऊपर। सो मेरी उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, मगर अब वो आरजू काजमी के साथ उन्होंने एक शो किया है जहाँ पे आई थिंक उन्होंने अपना इंडिया का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बता रहे हैं, मगर वीडियो को मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ इस वीडियो को देखा जाए। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, मगर वीडियो पे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चले इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने, जो आजकल इंडिया में है। वैसे तो हम सर से जब बात करते हैं सर यूरोप में होते हैं, लेकिन इंडिया में हैं और इस बात पे मैं सर से थोड़ी नाराज भी हूँ कि मुझे लेके नहीं गए। सर आप अकेले अकेले चले गए, सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी जेलस, यू नो कि मैं आपसे बड़ी जेलस हो रही हूँ कि सर आप चले गए और मैं नहीं जा सकती। ओह माय गॉड, देखो तुम्हारा काम। आई थिंक ये सारे हम लोगों की जो यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तान यूट्यूबर्स जो हैं, उनकी सबकी ये जेलेसी है कि हम नहीं गए इंडिया, हमें भी जाना है इंडिया। मैं जा चुकी हूँ और मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, राइट, सो आई स्टिल हैव सम मेमोरीज, मगर फिर दोबारा अच्छा लगा। वैसे आरजू जी के इयररिंग्स देखो जरा कितने अच्छे लग रहे हैं, फड़क फड़क के दूर से देख रहे हैं। मुझे भी कुछ पहनना चाहिए इस तरीके से। हम भी हिंदुस्तान में बहुत सराहा जाता है और लोग जो हैं वो टेक यू वेरी सीरियसली एज अ मेजर ओपिनियन बिल्डर। तो अब जरा हालात अगर अच्छे हो जाए ना मेरे इस ट्रिप के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे रोशन ख्याल पाकिस्तानियों को यहाँ पे दावत दी जाए और फिर यहाँ से भी लोगों को पाकिस्तान में बुलाया जाए, ऑफ कोर्स मुहज़्ज़ब तरीके से दोनों तरफ जो हैं वो बात करें और ये ढूंढें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको एक दूसरे के पास लाती हैं, उनमें जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाए, अलग किया जाए। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे आना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, यहाँ पे लोग तुम्हें सीरियसली फॉलो करते हैं, सो आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉसिबल। जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये समझो आई एम ब्रेकिंग द आइस। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन सर मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको ये ख्याल कैसे आया कि आपको इंडिया का विजिट करना चाहिए? और क्योंकि देखा जाए तो तारिक फतेह गए, राइट, उससे उस वक्त पहले पाकिस्तानी थोड़े बहुत जाते रहते थे, राइट, तारिक फतेह भी गए थे और अभी थोड़े से पहले मेरे ख्याल से आरिफ जाकिया जो है वो भी इंडिया होकर आए, तो जा रहे हैं लोग, मगर आई थिंक थोड़ा सा थोड़ी सी हम जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी वो कर दिया करो ना हेल्प, हमने क्या बिगाड़ा है। आपका विजिट इस वक्त तक कैसा जा रहा है, कौन सी जगह आप गए? जैसे आप बता रहे थे कि आरएसएस के लोगों से भी आपकी मुलाकात हुई है, तो यहाँ तो उनका बड़ा अजीब सा एक बनाया हवा जैसे कहते हैं बनाया जाता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए मेरे यहाँ आने की वजह कोई मेरा इरादा नहीं था, इरादा तो मेरा सालों से है कि मैं हिंदुस्तान जाऊँ, लेकिन आना जाना आजकल पाकिस्तान ओरिजिन लोगों के लिए और पाकिस्तानी सिटीजन के लिए हिंदुस्तान में और वाइसी वर्षा तो पता है आपको बहुत मुश्किल है, तो कोई इनविटेशन आनी चाहिए। तो मुझे एक इनविटेशन आई वसंत बख्यन माला, इसका मतलब है क्या कहते हैं बहार की लेक्चर सीरीज, वो
1923 से वो शुरू हुए थे तो अब 2023 हुए हैं। 100 साल वो, वैसे तो कई लोग आते हैं लेकिन एक खास पॉलिटिकल मौजू पे किसी को वो बुलाते हैं, जिसमें मेरे से पहले महात्मा गांधी को उन्होंने बुलाया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वहां बोल चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद वहां बोल चुके हैं, सरदार पटेल जो बोल चुके हैं, और इस तरह तो मैं एक बहुत लंबी लाइन है जिसका नाम ले सकता हूँ। जब ये 100 साल हो रहे हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा मौकफ तो ये था कि आई एम एन एकेडेमिक, ये लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जगह है, सो क्या मैं ही बाकी आदमियों जो आप बुलाना चाहते हैं? वो कहते हैं इस वक्त हम समझते हैं कि हिंदुस्तान और फ्रीडम स्ट्रगल और पार्टीशन और करंट पॉलिटिक्स में जिसकी ओपिनियन सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, मैंने जाके जो देखा है वो आप हैं, तो आप ही सेंटेनरी जो है ना की नोट आप डिलीवर करें। ये बहुत बड़ी बात। टॉपिक दिया था वो था द टेल ऑफ टू ब्रदर्स लॉस्ट इन अ फेयर, यानी मेले में दो भाई हो गए। ओके मेले में इंडिया पाकिस्तान सोशियो। अच्छा मैं बॉलीवुड मूवीज देखती थी ना हमेशा, तो हमेशा कुंभ के मेले की बातें हो रही होती थी या कुंभ के मेले की ना मिसाले दी जाती है, तो मुझको नहीं पता था कि कुंभ का मेला वाकई में कोई कुंभ का मेला होता है। मैं ऐसे नहीं, तो नहीं कौन सा कुंभ का मेला क्या चीज है, बाद में पता नहीं यार कुंभ का मेला वाकई में कोई मेला होता है। तो आई वाज जस्ट लाइक ढूंढो ढूंढो मेरी कोई ट्विन तो नहीं घूम रही कुंभ के मेले में। पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरीज के बाद में उनके क्या डायरेक्शंस बने एंड व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट एंड हाउ शुड दे डील विद ईच अदर, और वो अब एक दूसरे के साथ किस तरह रिश्ता या ताल्लुक रखें। तो आपको तो पता है ये इशू मेरे दिल के बहुत करीब है, और जो भी मेरी रिसर्च है जिसकी बुनियाद पे मुझे बुलाया गया, आपको ये भी बात बता दूं कि मुझे यकीन है कि मेरी किताबें हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा पढ़ी जाती हैं। इतने लोग कहते हैं जी आपकी सारी किताबें हमने पढ़ी हुई हैं, जबकि पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं। तो यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज हमसे बहुत कई गुना ज्यादा है, और इंटेलेक्चुअल मिडिल क्लास बहुत बड़ी है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल इनकी ग्रोथ जो है वो एज यू ड्राइव अराउंड नजर आ जाती है कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, और इनका एग्रीकल्चर ग्रीन एज यू मूव। तो 7 मई को मैं पहुंचा सुबह सुबह मुंबई एयरपोर्ट पे, और उसके बाद हम नासिक आ गए बाइक कार। अजय तोशनीवाल और विनय कुलकर्णी ये दोनों साथी जो इस बसंत बखियन माला के मेंबर्स हैं वो मुझे लेने आए हुए थे, और उसके बाद मेरी तकरीर हुई 9 को, उसके बाद 11-12 तक हम, 10 को भी एक मैंने स्कूल देखा जो एक नया आइडिया है, एक नौजवान है सचिन जोशी जिन्होंने ऐसा स्कूल बनाया है कि मैंने कहा यार कोई टाइम मशीन लाओ कि मैं दोबारा यहाँ से स्कूल एंटर करूँ। वो बच्चों को और टीचर्स को करीब लाना, और एक तो है ना जो इल्म हम देते हैं दुनिया के साथ साथ जानवरों को भी वो बुलाते लाते हैं वहाँ नेचर में ले जाते हैं, ताकि जो रिश्ता है ना इंसानों का बाकी यानी क्रीचर्स के साथ, और इनके पढ़ाने का तरीका भी बड़ा वो क्या कहते हैं एडवांस फ्रेंडली अमन प्यार मोहब्बत। मुसलमान टीचर मिले स्टाफ के अंदर तो लीडिंग उनकी पास पोजीशन से। यार ये क्या बात है, हम सब डंडे मार मार खा कर जो है स्कूलों में आगे बढ़े हैं, हम सब की फैटी लगती थी
याद है मुझे अच्छे अभी तक याद है कि हम लोगों को ना सुबह सुबह लाइन में खड़े होकर नाखून चेक करते थे। खैर मैं तो प्रीफेक्ट थी, मैं तो परफेक्ट थी, राइट। सो मैं चेकिंग करने वाली होती थी, मगर जहां पे थोड़े से नाखून होते तो वहीं पे पड़ती थी, एक ऊपर रूलर यहीं पड़ता था आई उल्टे हाथ पे। क्या मतलब यार, हम लोग गलत उसमें पैदा हो गए लगता है। और फिर वहां पे मुझे तकरीर भी करनी पड़ी जिसपे बहुत लोग आए हुए थे, सो दैट इज वन थिंग। उसके बाद अगले दिन वहां के नासिक के मुसलमानों ने एक ईद मिलन पार्टी की मेरे लिए। ज्यादातर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं मुस्लिम, वो ही आए हुए थे, यानी पढ़े लिखे लोग आए थे। लड़कियां भी थीं, एक लड़की ने एक गाना भी गाया मुझे वेलकम करने के लिए। तो बहुत वहां पे भी प्यार मिला। मैंने तकरीर में कहा देखें कहीं भी दुनिया में हो उसे कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस दुनिया में अगर आपने आगे बढ़ना है तो जो मॉडर्न एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं उसका पूरा फायदा उठाएं, खास तौर पे मुस्लिम लड़कियों की जो है ना उनको उनका हक मार के तो बाकियों को दिया जाए, लड़कों को ये ना करें, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। अगर मुस्लिम लड़कियां पीछे रह जाएंगी तो पूरा खानदान जो है वो अभी, तो ये मेरी सारी बातें लोगों ने मानी, जो उनकी डिफिकल्टीज हैं वो भी मुझे समझ आई। और मैंने एक और बात कहा, मैंने कहा यहाँ पे आपने उर्दू स्कूल खोले हुए हैं महाराष्ट्र में, आपको मराठी में भी पढ़ाना चाहिए ताकि जिस जहां आप रहते हैं लोकल सोसाइटी और रहने पर भी वहां ही हैं, ये तो नहीं कि वो बाहर से आए हुए हैं, वो मराठी यानी लोग इस्लाम की जो रिलीजन है, आई मीन इस्लाम की आपको पता नहीं है इस्लाम की जो लैंग्वेज है वो उर्दू बन चुकी है, उर्दू भी नहीं पंजाबी है, नहीं उर्दू बन चुकी है अब आई थिंक, तो मराठी क्यों सिखाएंगे, मराठी का क्या करेंगे वो लोग, यू नो समझा करें ना। चल जाओ यार, चल जाओ। तो ये भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे बड़ा अप्रिशिएट किया गया। फिर मैं आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनके हाई अप्स जो हैं नासिक के अंदर, कोई सर्जन है, कोई रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, कोई अखबारों के एडिटर्स, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल बट आरएसएस। तो उन्होंने जो मेरे इस आइडिया को इंडिया पाकिस्तान पीस पे बात करते हुए पूछा कि देखें हम कैसे पाकिस्तान पे एतबार कर सकते हैं कि ये पीस चाहते हैं, क्योंकि जब जब कोशिश हुई, वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके बाद पठानकोट हो गया, और ये टेररिज्म और बॉम्बे का अटैक, इन हालात में हम आपके मिशन को वेलकम करते हैं लेकिन जो हकीकत है उसकी भी बात की जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बगैर कंडीशंस के पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें या नॉर्मल रिलेशंस करें, सबसे पहले इस पे फैसला होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन पीसफुली होगा और नो टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। वो तो पाकिस्तान है। से जो कुछ हुआ आज तक वो बिल्कुल नामुनासिब था, और अगर इंडिया बलूचिस्तान में या कहीं पाकिस्तान में भी इस किस्म की हरकत करता है तो वो भी खत्म होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को चांस दिया जाए कि बजाय सिक्योरिटी पे और फौज के ऊपर इतना खर्च करें, वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिव तरीके से मुल्कों को डेवलप करने में करें। अब बात यह है कि हिंदुस्तान ने तो ये किया हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर फौज पे और डिफेंस पे है वो हमारी फौज खा रही है ना हराम का, लेकिन उनकी इकॉनमी 10 गुना ज्यादा है, बल्कि पाकिस्तान की तो आज इकॉनमी है ही कोई नहीं बिल्कुल।
तो बैंकरप्ट हुए हुए हैं। मे बी दे कैन अफोर्ड बट वी कैन नॉट इन पाकिस्तान, मैं ये कह रहा हूँ। तो अगर अमन होगा तो मैंने कहा मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट में समझता हूँ ज्यादा है, आपका शायद इतना नहीं है कि अमन। तो मैं एज अ पाकिस्तानी कह लें आप बात कर रहा हूँ आपसे, वी नीड पीस विद इंडिया, मे बी इंडिया कैन डू विदाउट पाकिस्तान। बिल्कुल सही बातें जो होनी चाहिए, उसके बगैर क्यों अमन करेंगे भी हमारे साथ, वो तो कामयाब है, वो तो आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमें जरूरत है। और फिर मेरा एक प्रपोजल था कि कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल जो है इसको परमानेंट बॉर्डर बना दिया। चलो एटलीस्ट तीन पाकिस्तानी यहाँ पर बैठ के इस बात से तो अग्री कर रहे हैं कि इंडिया को जो है हमारी जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। ये मैंने पहले भी कही ये बात कि उनको हमें हमारी जरूरत नहीं है, वी नीड था। तो उन्होंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुना, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये सारा जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो हिंदुस्तान का इनसेपरेबल। मैंने कहा देखें इस पे चार जंगें हो चुकी हैं, एक और जंग अगर होगी तो न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे, तो ये फैसला कश्मीर का तो बेहतर है कि जो हकीकत ये अपना 75 साल में बन चुकी है इसी को हकीकत मान के आप इस हकीकत को बेमायने कर दें बाई ओपनिंग द बॉर्डर्स फॉर द कश्मीरी पीपल, और आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें जिसकी वजह से फिर ट्रेड अगर होगी तो ये इलाका तो इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स द एंजन ऑफ ग्रोथ इन द वर्ल्ड। इंडिया की इकोनॉमी जितनी ग्रो कर रही है उसी के बैंड वैगन पे पाकिस्तान भी आ जाएगा और पाकिस्तान के बारे नियारे हो जाएंगे। मैंने कहा तो ये भी मैं समझता हूँ बिल्कुल मुनासिब है। और जो कश्मीर हमारे पास है वो आफ्टरऑल जंगें हुई तो वहां पे फैसला हुआ है ना, तो जंग का फैसला भी यही है कि वो उधर और हमारा हमारे पास। दिस कैन नॉट बी चेंज बाई द यूज ऑफ फोर्स बिकॉज इट विल एंटेल न्यूक्लियर वेपन्स। तो मैंने जो अपना जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ वही मैंने बातें उनसे की और वो कहते हैं जी हमने आपके सारे इंटरव्यू देखे हुए। तो मुझे इंडिया में बहुत देखा जाता है, उसमें कुछ जगह पे तुम्हारा नाम भी लिया गया कि आरजू कासमी के साथ भी हमने आपका प्रोग्राम देखा है, तो ऑब्वियसली यू आर इन द पिक्चर इन इंडिया एज आई गो अलोंग। सर आपको लगा कैसे है? सर जैसे पाकिस्तान भी अभी आप आए थे और अभी आप इंडिया जैसे गए, लोग कैसे लगे आपको, जगह कैसी लगी, कौन सी सिटीज में आप गए वो भी बताइए। मैं वही बता रहा हूँ ना, सबसे पहले बॉम्बे लैंड करके नासिक में 7 से लेके 12 तक मैं नासिक में था। 12 तारीख को हम फिर नासिक से मुंबई चले गए और वहां पे 2-3 फंक्शंस में मैंने हिस्सा लिया। मेरे कई पुराने दोस्त हैं जिन्होंने घरों में महफिलें बुला ली इंटेलेक्चुअल्स की और ये और वो। तो हाँ एक और बात है, मेरी एक किताब जो आई है ना प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, वो बॉलीवुड के जो सबसे बड़े आफ्टर राज कपूर शोमैन गिने जाते हैं सुभाष घाई, उन्होंने अपने स्टूडियो में विस्लिंग वुड्स में कहा के वहां पे आए और उन्होंने मेरी उस किताब का वो इफ्तिताह किया। तो वो सारी जो पिक्चर्स है फेसबुक पे तो मैं लगाता रहा हूं। सुभाष गाय इज द टॉप मैन, पीछे से ये जेलम के रहने वाले बहुत बड़ी है इश्तियाक अहमद के लिए, वैसे बहुत बड़ा अभी बहुत आए हुए थे वहां पे इज्जत कर से वो कहते हैं ना मकाम। मुझे मिली अपना शमा जैदी जो एक मशहूर फिल्म मेकर हैं, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, श्याम बेनेगाल के साथ उन्होंने बहुत फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, वो आर्ट डायरेक्टर भी हैं। मैंने सुभाष गई साहब की तो कई फिल्में देखी हैं लेकिन वो आप देखिए उसमें शमा जैदी ने कई डायलॉग और स्टोरीज भी लिखी हैं। तो उनके साथ मुलाकात हुई, हमने फिर लंच किया। अब होता ये कि व्हाइल आई टेल द स्टोरी तो किसी ऐसे दोस्त का जो मेरे साथ जिसने बहुत प्यार किया है वो अगर मैं भूल जाऊं तो फिर
सारी रात मैं अपने आपको कोसता हूँ। तो कहना चाहिए कि ये सारी दावत जो इंडिया में आने की है, ये सेरा अजय मधुकर तोशनीवाल हैं, जो एक लॉयर हैं और वो नासिक के रहने वाले हैं, और ये बखन बसंत बखियन माला के वो मेंबर बोर्ड के मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी और समथिंग। श्रीकांत बैनी जी भी आए जो उनके प्रेसिडेंट थे, इस तरह और भी कई लोग हैं, विनय कुलकर्णी। तो इसके बाद फिर हम बॉम्बे गए, तो वो पूरा रास्ता जो है वहाँ के एसपी पुलिस रिटायर्ड संजय संगले जो हैं, उन्होंने अपनी कार में मुझे लेके गए और 5 घंटे हम गुफ्तगू करते रहे। तो ये उन्होंने वॉलंटरली ये सारा कुछ किया है कि हम लेके जाएंगे, नो डोंट यू वरी। रास्ते में अच्छा वाइल आई वॉज इन नासिक, तो राम चड्डा साहब एक हैं जिनके बुजुर्ग मलकवाल हमारे गुजरात के करीब के रहने वाले थे एक जमाने में, उनके वालिद साहब अभी भी हयात हैं। तो उन लोगों ने रिटायर होने के बाद एक डायलिसिस क्लिनिक बनाई है जहाँ पे 21 बेड पे वो फ्री सर्विस करते हैं उन लोगों की जो इतने गरीब हैं। पता है डायलिसिस होता है किडनी फेलियर, पूरा खून बदलना पड़ता है यार। तो मैंने जब वहां गया और मैंने देखा लोगों को, तो मैंने कहा यार हम भी टेक अवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, यू आर लकी कि तुम्हारा ये हाल नहीं है। वो चाहे लेते हो लेकिन उनको फ्री ये उसमें वहां पे एक हाजी साहब भी आए हुए थे जो मतलब ये डोनेशंस लोग देते हैं। इंडिया में ये बहुत रिवाज है कि लोग अपना कारोबार, अपने ऑफिस का काम, रिटायरमेंट, तीनों चीज़ों में काम करते हुए भी एक जिंदगी का पोर्शन वो किसी सोशल इशू पे के लिए दे देते हैं। यानी बच्चों को पढ़ाना, गरीबों के बच्चों को, ट्राइबल यहाँ पे लोग हैं जो महाराष्ट्र में दूर दूर तक जंगल के अंदर रहते हैं, उनको जाके पढ़ाना ताकि भी आगे आप तभी बढ़ सकते हैं। मुसलमान इलाकों में भी जाके, दैट्स अमेजिंग। ये चीज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कम्युनिटीज कम्युनिटीज की हेल्प करती हैं। जहां मैं रहती हूँ इस कम्युनिटी में हम लोग जो है सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो मैंने इसी तरह से देखा है डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट कम्युनिटीज एंड दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर। तो ये बहुत अच्छी चीज है अगर इस तरीके से कर रहे हैं लोग वहां पर, और उन्होंने तो देखा है इसी वजह से, और ये अच्छी चीज है कि इस तरह से करना चाहिए। स्पेशली जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, जो हमसे गरीब हैं, जो जिनके पास इतना नहीं है, तो उनकी हेल्प हमेशा करनी चाहिए। सर्विसेज उनको सिखाना, और कई मुसलमान भी मुझे साथ साथ हर जगह मिले। मैंने सबसे बड़ी चीज नोट की वो ये थी, इश्तियाक अहमद जब भी मुसलमानों की बात करते हैं तो बड़े हैरत से बात करते हैं कि चंद मुसलमान भी मुझसे मिले। ये वही बात है, अगर मैं मुझे भी मिलेंगे ना तो मैं हाँ चंद मुसलमान भी मुझसे मिले थे। काफी लोग मुझे गालियां देते हैं मगर ऐसे भी हैं जो मुझे पसंद करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि मुझे पसंद नहीं करते, सारे एक जैसे थोड़ी होते हैं। वही बात वो कहने चाह रहे हैं कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे भी अग्री करते हैं कि हर गली कूचे में अकेली लड़की जा रही है यार। रात के 10 बजे भी मैंने देखा है, वो बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई लड़का जा रहा हो तो हर किस्म के कपड़े भी पहने हुए हैं। बुरके में मैंने लड़कियां देखी, हिजाब वाली भी देखी और वेस्टर्न क्लोथ भी देखी, साड़ियां तो हैं ही हैं, शलवार कुर्ता जो पहनते हैं औरतें जो हमारे तरफ एग्जैक्टली वहाँ भी पहना जाता है। लेकिन औरतें यहाँ पे कदरे बहुत आज़ाद हैं, सोसाइटी उनको इस तरह हैरेस नहीं करती जिस तरह के पाकिस्तान की कोई हैरेस नहीं ना करता। वो तो एक गाड़ी से गए तो दूसरी जगह चले गए, मगर आम मिडिल क्लास के लोगों के लड़कियों के लिए मुसीबत होती है कहीं आना। हाँ जी, ये इंडिया में कम से कम जो जो मैंने जगह देखी है वहां पे मुझे नजर नहीं आई। और मैंने दाढ़ी वाले पता लग रहा है कि ये मौलवी है, ऊंची सलवार पहनी हुई है और बड़े आराम से जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। तो आम हालात में जो जिंदगी की तर्स है वो तो
ऐसे लगता है कि हर बंदा अपने ही आजादी से सारा कुछ कर रहा है। सियासी माहौल में जो दंगे फ्याज हो जाते हैं वो that's not for me to comment on. वो ये नहीं है कि जिंदगी का, वो रोज जिंदगी का एक वक्त है। Once in a while अगर हो जाते हैं तो फिर स्टेट, देखें सियासत इज सियासत, ठीक है ना, सियासत है, सियासत चलती है इन चीजों पे। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का रिलीजन से बहुत अटैचमेंट है लोगों की वहां पर, तो उसको खेला जाता है उसी तरीके से। मगर रियलिटी जो है, अगर इंसान बाहर रोजाना के काम काज के उसमें लगे हुए होते हैं तो मुसलमान भी उसमें लगे हुए होते हैं, हिंदू भी उसमें लगे हुए हैं, क्रिश्चियंस भी लगे हुए हैं, हर कोई यही चाह रहा है कि भाई हमें दो वक्त की रोटी मिल जाए, हम अपने बच्चे को अच्छा खिला दें, हम उसको स्कूल भेज दें, यू नो लाइक अपनी फैमिली के लिए करने की कोशिश कर रहे होते हैं जितने भी लोग निकले होते हैं। तो आम मरा की जिंदगी में ना ये सारी चिक चिक नहीं हो रही थी। ज्यादातर इंटरनेट पे मैं देखती हूँ कि लोग ज्यादा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, वरना तो आप बाहर निकलते हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स दिस इज फार फ्रॉम रियलिटी। तो यू नो हर जगह ऐसा नहीं है, मैं ये कहूंगी का जो भी है एक्शन मुनासिब ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है या नहीं है आई एम नॉट हेयर टू जज, मेरे पास टाइम भी नहीं है उसका। मैं तो अपनी दोस्ती का पैगाम लेके आया हूँ और हर जगह मेरे लोग दरवाजे खोल रहे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर एक मसलन, अच्छा इसके बाद बॉम्बे से आके फिर मैं रहा वहाँ पे नासिक, तो वहाँ पे हैं डॉक्टर मनोज चोपड़ा, उन्होंने मेरा पूरा मेडिकल वो चेकअप किया, हार्ट किडनीज प्रोस्टेट लंग्स ये वो, एंड दे फाउंड नथिंग रॉन्ग। सो उन्होंने कहा कि आप अगर वैसे मैं करवाता तो शायद 25-30 हजार। यार व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद द इंटरनेट, फाउंड नथिंग रॉन्ग। सो गुड, उन्होंने कहा कि आप अगर वैसे मैं करवाता तो शायद 25-30 हजार रुपए लगते हैं। उन्होंने फ्री किया मेरे लिए, क्योंकि वो इसी किस्म की सोच के लोग हैं, सोशल काम करना, और उनका आप मेहमान है, आपसे कैसे हम ले सकते हैं। और आपको पता है इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर कई मुझे डॉक्टर्स हैं जो फ्री पाकिस्तान से आए हुए बच्चे जिनका हार्ट प्रॉब्लम से कहते हैं वो उनका फ्री करते हैं, डॉक्टर शर्मा है, तो वो बाद में बात करता हूँ। तो वो चड्डा राम चड्डा जी के साथ भी हम उनके फादर से भी अपनी जो टिपिकल वेस्ट पंजाब की पंजाबी बातें मैं करता रहा। और रस्ते में मुझे पहले से पैगाम था धीरज चोपड़ा साहब का, जिनके बुजुर्ग जंग मगियाना जो है ना हमारा, वहां से आए, उन्होंने भी कहा कि आप जाते हुए बॉम्बे लंच हमारे साथ करना है। तो वो फोटो भी मैंने फेसबुक पे लगाई हुई है। सो एवरी इवेंट आई थिंक आई हैव पुट ऑन द फेसबुक। उन्होंने भी इतना प्यार दिया कि मुझे लगा कि एज इफ यू आर ज्वाइनिंग योर लॉस्ट फैमिली, ठीक है। बॉम्बे के अंदर वो है राजन खन्ना जी, जो मेरे साथ उनकी बड़ी पहले से ही बातचीत होती रहती थी, तो उन्होंने अरेंज किया था एक्चुअली। जो ये सुभाष गायक को उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे यहाँ आप करें, अगर पंजाब के ऊपर ये किताब है तो प्लीज। तो वहाँ बड़ी वहाँ पे हुई। राजन जी ने फिर अपने घर में भी अपने दोस्त बुलाए, जिसमें भी आरएसएस के लोग भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे, और जो उनके साथ हुआ उन्होंने मुझे बताया। लेकिन मैंने उनमें कोई नहीं देखा कि वो जो नफरत है वो बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि जो हमारे लोकल कश्मीरी हैं वो अभी भी अगर हम जाएं तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी सियासी किस्म की हरकतें हैं जो कहाँ से होती हैं, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। सो वी नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। और जी कहना ये चाह रहे हैं कि आपको ये तो पता है कि फसाद की जड़ कौन है। आई थिंक सबको पता है कि फसाद की जड़ कौन है। सो ये जड़ बड़ी खराब है। फिर पुणे में जब आया तो
राजू जी जो है अपना अजय के बड़े अच्छे दोस्त हैं, हर दिन वो मेरे साथ हर जगह गए और गांधी भवन हम गए, वहां पे भी लोगों से बात की। देखे ना, आरएसएस का भी हम मिल रहे हैं, हम गांधीयन लोगों को भी मिल रहे हैं, कांग्रेस सर आपको सर आपको आरएसएस के लोग कैसे लगे? क्योंकि यहाँ तो बड़ा अजीब सा इंप्रेशन है आरएसएस के नाम पे, तो अजीब अजीब स्टेटमेंट आ रहे हैं। वो इतने बड़े लिखे हैं कि वो उन्होंने मेरे घर ले गए, तो एक है अपना गिरीश, उनका सर ने मुझे भूल रहा है, एक सर, उन्होंने 700 से ज्यादा किताबें सिर्फ पाकिस्तान पे हैं। मैंने अभी आज तक किसी प्राइवेट लाइब्रेरी में पाकिस्तान पे दो या चार किताबों के अलावा नहीं देखा, और मेरी सारी किताबें वहां थी। तो वहां आरएसएस के साथ होने के बावजूद दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म, और उनकी जो आर्ग्यूमेंट ये है कि ये जो अग्रेशन है मुसलमानों की, और ये वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, जिसने हिंदुस्तान में रहना है वो यहाँ की उस मुल्क में जहाँ पे आप रहते हैं आपकी लॉयल्टी सबसे पहले वहां होनी चाहिए, तो ये एक मुनासिब बात है। बाद में देखें जो मेरे साथ बात हुई तो उससे तरीके से हुई ना, वो भी तो कहती है हमारी तरह जो उनके ओपोनेंट हैं वो कुछ और कहते हैं, वो मैंने आई एम सेइंग आई एम मीटिंग एवरीवन एंड लिसनिंग टू देम एंड एवरीबॉडी वांट्स टू मीट मी, समझ गए ना, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे कांग्रेस के भी लोग मिल चुके हैं, मुझे जो डाई हार्ड कम्युनिस्ट हैं वो भी मिल चुके हैं, एंड आई एम लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम, और सब मेरे पैगाम को के फ्रॉम ऑल एंगल्स इंडिया पाकिस्तान पीस इज गुड फॉर एवरीवन वो मानते हैं। तो राजन जी के बाद फिर हम यहाँ पुणे की तरफ आए, तो पुणे की जो वो ड्राइव है वो क्या अपना संजीव उनका सर ने मुझे भूल रहा है, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, और वो मुझे साथ लेके आए, साथ रास्ते में उनसे भी गपशप होती रही। एवरीबॉडी एग्रीड कि पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गुड फॉर द पीपल ऑफ द रीजन, नफरतों से कोई मुआशरा नहीं चल सकता, नफरतें जो हैं वो अपने आप ढूंढ लेती हैं विक्टिम्स, तो इन सारी चीजों से आजाद होना ही इंसानियत है। हाँ, एक और मैं बताऊं जो मैंने आप दिल्ली नहीं गए, दिल्ली अभी दिल्ली पे आ रहा हूँ ना, आई एम स्टिल इन पुणे, तो आई एम टेलिंग यू कि वाओ बताओ किया वहां पे यार, आप कहाँ कहाँ घूम लिए, इतनी जल्दी जल्दी कितनी जगहों पे चले गए, इट्स सो अमेजिंग, आई वांट टू गो, मुझे भी इतना इंडिया जाने का शौक है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं जाकर इंडिया में हर जगह ट्रैवल करूँ, स्पेशली जो हिस्ट्री है, यू नो हिस्टोरिक प्लेसेस वो देखूँ, काश एक दिन। जी रंजीत जटर साहब एक है खानदान, वो और उनकी बीवी नासिक के लिए, और फिर उन्होंने मुझे इन्वाइट किया वहां पे पुणे में, उनके घर भी महफिल हुई। और कई लोग जो यानी हाई अप इन द सोसाइटी वो लोग आए हुए थे, वहां पे भी कॉन्वर्सेशन हुई, और तो और मुझे गाना भी वहां सुना। पड़ा तो बड़ी महफिल रौनक रौनक रही, रंजीत जी और उनकी बेगम ने बहुत अच्छा वो डिनर, व्हेन आई हैव टॉक्ड टू पाकिस्तानी ऑफिसर्स एंड ऑल वी हैव सो मच इन कॉमन, सो इवन ही एग्रीड दैट पीस इज गुड फॉर ऑल। तो आप अंदाजा लगा लें कि जितने वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं वो उतने ही अमन परस्त भी साथ साथ हैं, इससे ज्यादा प्रूफ क्या होता है। अब रा सुने, जब मैं पुणे पहुंचा तो जिस होटल में मुझे रखा रहना था, रिसेप्शन पे दो लेडीज, आई थिंक दे मस्ट बी अराउंड 50, वो एक ने देख के तो वो डॉक्टर इश्तियाक अहमद जी केम, और मेरे वो जो है पांव ये वो जो रस्म है यहाँ की लगाया था, और मेरे साथ पिक्चरें उतराई, वो कहते हैं हम आपके सारे वीडियोस देखती हूँ,
एंड शी इज अ महाराष्ट्रियन। ये तो है ना कि कुछ लोग उर्दू स्पीकिंग पंजाब वाले बॉर्डर के करीब उनका देखना, लेकिन सारा महाराष्ट्र सारा जितने भी लोग हैं वो कहते हैं हम आपके कोई वीडियो नहीं छोड़ते। तो ये रिसेप्शन पे मुझे मिल गई। फिर मैं जब राजू जी मुझे छोड़ने आए एयरपोर्ट पे, वो एयरपोर्ट पे जो काम कुम कर रहे थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। जहाज के अंदर फ्लाइट जाती है फ्रॉम पुणे अहमदाबाद टू दिल्ली, तो बिटवीन पुणे और अहमदाबाद वन जेंटलमैन हु वाज गेटिंग ऑफ, वी वर टू गो ऑन टू दिल्ली, गोपाल साहब उन्होंने मेरे आके घुटने को हाथ लगाया और कहा कि आपका काम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एयरपोर्ट्स पे हवाई जहाजों में सड़कों पे मुझे लोग पहचान रहे थे, और तुम्हें तो सब ही पहचान लेंगे अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम्हारा तो मसला ही कोई नहीं है। तुमने देखते हैं सर, आई डोंट आई एम नॉट श्योर आजू जी को कौन सब्सक्राइबर्स हैं। तो एनी हाउ पीपल लिसन एंड वॉच पाकिस्तान इज वेरी वेल, इतना इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, आई वॉज वेरी सरप्राइज। हाँ पुणे में जो उनका लीडिंग अखबार है उन्होंने भी आके मेरा इंटरव्यू किया जो बाद में छप गया, उसको साधना कहते हैं उस अखबार को, अखबार नहीं वो पब्लिशिंग हाउस है, सॉरी, उनका एक वीडियो चैनल है जिसके लिए उन्होंने इंटरव्यू किया है, और अनवर राजन साहब जो वहां के रहने वाले हैं उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। अब मैं आ जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली में मेरे जो होस्ट हैं उनका नाम है राकेश बैद। ये खानदान जो है भगोवाल, एक विलेज दसका तहसील सियालकोट से गए हुए हैं, वो उस पार्टीशन से पहले वहाँ की बड़ी प्रोमिनेंट फैमिली थी, और इन्हें कहा जाता है हुसैनी ब्राह्मण। ये एक पंजाब में एक ब्राह्मणों की एक कम्युनिटी है, मोहयाल कहते हैं उन्हें, वाली भी कहा जाता है उन्हें, दत्त भी कहा जाता है। ये इनका लेजेंड या इनकी फैमिली में ये बिलीफ है कि इमाम हुसैन के साथ कर्बला में इनके बुजुर्ग उस जंग में शहीद हुए। तो अच्छा, दे आर हिंदूज बट वो जो है ना मुहर्रम की रस्में। अच्छा तो सर, ये संजय दत्त जो एक्टर है उनके फादर सुनील दत्त भी जो थे वो हुसैनी ब्राह्मण थे जी। वो आमने सामने बैठ के हमने 3 घंटे इसी पे बात की थी, और हुसैनी ब्राह्मण की पूरी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई। तो ये जो है राकेश वैद साहब जो यहाँ पे एक एनजीओ करते। यार ये तो मैंने पहली दफा सुना है ये जो बात कर रहे हैं, मुझे इस पे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, cuz I've never heard of this before। क्या नाम है यार अपना राकेश जी, जरा द्वारा दसो की ना है। मुक्तांगन ये आर्टिस्ट को और स्ट्रगलिंग जो है पेंटर्स और इनकी उनको उनकी प्रोडक्शन को और वो पब्लिक में हेल्प करते हैं, पर ना उन बेचारों के पास ना कोई होता है स्टूडियो ना कुछ, ना उनको मार्केट करने की कोई होती है। वेद जी वैसे भी यहाँ की एक बहुत बड़ी जो है कंपनीज उनके वो चेयरमैन है, सो मेजर पर्सनैलिटी इन दिल्ली। तो मेरे आने से पहले उन्होंने कहा था कि आपने दिल्ली में मेरे पास ही रहना है, तो मैं उस दिन से इनके साथ हूँ। इनके वजह से हर रोज मेरे यहाँ पे फंक्शन हो रहे हैं। तो आज ही हम गए हुए थे सिखों का एक बहुत बड़ा जो गुरुद्वारा है इंडियन पार्लियामेंट के सामने, उसका की ना है यार रकाबगंज, वहाँ गए हुए थे। वहाँ पे इंटरनेशनल सिख स्टडीज के जो हैं प्रोफेसर्स और ये, वहाँ पे एयर मार्शल भी एक आए हुए थे, एयर मार्शल परमजीत सिंह एंड एक फॉर्मर मेंबर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट थे त्रिलोचन सिंह
सो ऑल दीज वेरी लर्नेड पीपल वर देयर, उनसे गुफ्तगू हुई। ज़्यादा बातें मेरी पार्टीशन ऑफ पंजाब पे या जना पे जो किताब है उस पर होती हैं, लेकिन फिल्मों के साथ भी होता है। एक दिन मेरी जो तीनों किताबें हैं ना उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो कनॉट प्लेस, जिस तरह माल रोड लाहौर है ना उसी तरह लैंडमार्क है कनॉट प्लेस, तो वहाँ पे मेरी किताब के तीनों किताबों पे डिस्कशन हुई। ये भी राकेश जी की वजह से मुमकिन हुई। और कहते हैं वहाँ पे होते ही इंटेलेक्चुअल्स हैं, किताबों के ऊपर 10-15 ज़्यादा 20 लोग आ जाते हैं, पूरा हॉल फिल्ड था, आई थिंक मोर देन 45 पीपल वर देयर, और ये 2-2.5 घंटे ये महफिल होती रही। तो अब कल मैं जा रहा हूँ इंडियन पंजाब चंडीगढ़, और उसके बाद पूरा एक हफ्ता शायद एक दिन और कई शहरों में मैं जाऊंगा, चंडीगढ़, पटियाला, अमृतसर, हो सकता है तो लुधियाना और जालंधर में भी मैं जाऊंगा, और देन आई विल कम बैक टू दिल्ली। अब मुझे दावतें कहाँ से है, जरा सुन लो। एक दावत अलीगढ़ से आई है कि यहाँ की जो मुस्लिम टीचर्स हैं, लेडी टीचर्स, दे वांट मी टू कम एंड स्पीक टू देम। फिर लखनऊ से है मुझे इनविटेशन कि आप लखनऊ में आए, और वहां पे भी नाउ दे आर पीपल आर अरेंजिंग यू नो टॉक्स फॉर मी। और फिर मुझे बेंगलोर में बुला रहे हैं, जहां मुझे जाना होता है तो वो साथ पूरा अरेंज भी करते हैं टिकट और ये और ठीक है, रहने का भी इंतजाम करना पड़ता है। बेंगलोर भी मैं जाऊंगा, गोवा भी मुझे इनविटेशन है, और इस तरह हर रोज कई नई इनविटेशन आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि हाउ कैन आई मैनेज ऑल दिस। और सर अभी कितने दिन है आप, और अभी कितने दिन है आप इंडिया? बस वैसे तो 3 महीने का वीजा है, तो मैं आया था 7 मई को, तो अभी तो महीना भी नहीं हुआ, तो 3 महीने इज द मैक्सिमम, लेकिन लेट्स से 7 वीक्स 2 महीने तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल। और मुझे भी बहुत शहरों में जाना है और बहुत लोगों को मिलना है, और दिल्ली के अंदर कई महफिलें, हाँ कलकत्ता भी हम जा रहे हैं, सो विच इज द प्लेस लेफ्ट जहाँ मैं नहीं जा रहा। और वापसी पे वो कहते हैं बॉम्बे में फिर आपने रुकना है, और आपके कई फंक्शन हमने बॉम्बे में करने हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। लेकिन सर हम जी यहाँ दिल्ली, यहाँ में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग हो रही है, और जामे मिलिया एक बड़ी पुरानी मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है यूनिवर्सिटी, तीनों जगह पे मेरी दावत है, और इस तरह करके बहुत दावतें मुझे मिल रही। तो सर हम बिल्कुल आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और आपसे पूछते रहेंगे कि कहाँ कहाँ आप गए और क्या क्या देखा, इससे यहाँ पे भी काफी लोगों को समझने में आसानी होगी। जी एक सजेशन भी देना चाहता हूँ कि यू शुड इनवाइट राकेश जी ऑन योर प्रोग्राम, क्योंकि वो जो एनजीओ जो है ना उसके हवाले से ही कैन टेल यू द वर्क ही इज बीन डूइंग, और कैसे पाकिस्तान में भी इस तरह कोऑपरेशन की जा सकती है आर्टिस्ट की, और सो उनका आना जाना पाकिस्तान में इस तरह ही है जैसे इस्लामाबाद से लाहौर हम आते हैं, उनको वही वीजा मिला हुआ है ऑल टाइम एंट्री, ही कैन कम एनी टाइम एंड गो। सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे साथ शेयर कर लिएगा, मैं उनसे बात कर लूंगा, मैं आपसे कर दूंगा। तो अब मुझे आई एम जस्ट थिंकिंग यार कोई ऐसा मेरा दोस्त जिसने मेरे पे बड़ा प्यार किया हुआ है, मैं मिस तो नहीं कर रहा। तो एक और जोशी साहब हैं, क्या नाम है उनका, सीताराम जोशी, वो भी मुझे वहाँ पे मिले नासिक में, और उनके नेफ्यू भी मिले, और उन्होंने भी एक प्रेजेंट भी दिया मुझे। तो बस होगा ये कि आखिर में मुझे फिर कोई याद आ जाएगा, तो अगली दफा उसको जरूर, अगली बार बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो आप वहाँ पर हैं काफी दिन, तो हम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहेंगे, और अच्छा है अगर हम टाइम टू टाइम आपसे बात करते रहे और इंडिया के बारे में जो है वो बात करते रहे। बल्कि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी पिक्चर्स भी उठा लूंगी फेसबुक से और वो भी दिखाऊंगी, अभी मैं एकदम से आई ना तो इसलिए।
ओके गाइस, अमेजिंग वीडियो. मैं क्या बोलूं, मुझे जितना मैं उनका वीडियो देख रही थी उतनी मुझे, जैसे आरजू जी ने कहा ना कि जलेसी हो रही थी, और मैं भी जाऊं, मुझे इतना शौक है. सारे वो शहरों के नाम बता रहे थे, और मैं अगर अगर मैं भी गई और अगर वीजा 3 महीने का मिल जाता है तो ऑनेस्टली मैं तो 3 महीने वहां रहूंगी, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है यार, हर जगह घूमना फिरना. एंड देन आई नो सो मेनी पीपल अप देयर, और इतनी जगहें हैं मुझे, यानी हिस्ट्री भी देखनी है मुझे, गोवा भी देखना है क्योंकि गोवा के बीचेस भी हैं, मुझे वो लग्जरी भी देखनी है, मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है जिसमें इंडिया जो है बहुत आगे निकल गया. सो आई वांट टू सी ऑल ऑफ दैट. मुझे जो छोटे छोटे से टाउन्स हैं, लाइक यू नो, आई वांट टू गो अप देयर एंड सी दोस प्लेसेस एज वेल. और फिर अपने लोग जो है उनसे भी तो मिलना होगा ना, दावतें होती हैं इतनी, दावतें भी आप लोग भी बुलाओगे ना. मैं अगर आई इंडिया में तो मुझे ये बताओ मुझे कौन कौन कहाँ कहाँ दावत करके बुलाएगा और कहेगा महलीज आप आइए हमारे घर पे, हमने आज आपके लिए जो है ना क्या बनाया है, बटाटा वड़ा बनाया है. ठीक है, मुझे बटाटा बड़ा बहुत पसंद है. एनी हाउ, सो इन्होंने जितनी बातें की, आई एम वेरी हैप्पी टू सी के जो मुसलमान औरतों की इन्होंने बात की कि उनकी यूनिवर्सिटी में बुलाया जा रहा है कि हमारी टीचर से आप बात करें, और मुसलमान लोग भी आकर इनसे बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट लोग सुन तो रहे हैं और एजुकेटेड लोग सुन रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि दैट्स व्हाट वी वांट पीपल टू हियर. हम चाहते हैं कि इनकी आवाज, हम लोगों की आवाज, सबकी आवाज जो है लोगों तक पहुंचे, थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट चेंज हो. जैसा कि इन्होंने कहा कि भैया आप जो है 1400 साल पे नहीं रह सकते हो आज की दुनिया में, वरना आप आगे नहीं बढ़ेंगे. एंड दैट इज द थिंग, इंडिया क्योंकि 1400 साल पहले नहीं रह रहा है, तो अब देखो कितना आगे निकल रहा है, राइट. अब हमारे लोग जो है वही जंग, वही कश्मीर, तो वही पुराने झगड़े लेकर बैठे हुए हैं, और बस उसी पे लड़ते रहेंगे, हमारी आर्मी खाती रहेगी, पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा. और इन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान का फायदा इसमें ही है कि वो इंडिया के साथ दोस्ती करे, इंडिया का फायदा नहीं होगा कुछ भी, लाइक ऑनेस्टली इंडिया का फायदा नहीं है ना, नुकसान होगा पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने. वो अभी अपने बलबूते पे चल रहे हैं, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत है, पाकिस्तान को भी बहुत सारे मुल्कों की जरूरत है. तो बेटर उनके लिए यही है कि इनकी जो हरकतें हैं, स्पेशली जो टेररिज्म को लेकर हैं, इनको ये सुधार लें, वरना तो फिर वाकई में पाकिस्तान का कुछ नहीं होना है, तहस नहस हो गए रह जाना है. एनीवेज गाइस, मुझे बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में. अगर कोई और वीडियो है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं तो उसको नीचे डालना मत भूलिएगा. और जाने से पहले मुझे पता है आप लोग देखते हो मगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिए. चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक के लिए था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है.